ये इस वीडियो में करें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें है कि सॉल्व फॉर एक्स कॉस टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन कॉट इन्वर्स 3/4। तो ये क्वेश्चन जो है आउटर दिल्ली सेट 1-3 2013, आउटर दिल्ली सेट 2 2016 NCERT एग्जाम्पलर और फॉरन सेट के 1-3 2014 से लिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में है कॉस और ब्रैकेट में दे रखा है टेन इनवर्स एक्स, और राइट साइड में जो है साइन है और ब्रैकेट में दे रखा है कॉट इनवर्स 3/4। तो सबसे पहले जो है हम टेन इनवर्स एक्स को कॉस की टर्म्स में चेंज करना चाहेंगे और कॉट इनवर्स 3/4 को साइन के टर्म्स में चेंज करेंगे ताकि वो इनवर्स में आकर ये कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक बार जो है हमारे को जो गिवन है वो कॉस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स 3/4 उसको हमने लिखा, और फिर जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कि अगर जो है टेन इनवर्स एक्स जो है उसको हम थीटा मान लेते हैं तो या ए मान लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि एक्स जो है वो टेन ए हो जाएगा। अगर थीटा मानेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप उसे ए मानिए, थीटा मानिए या कुछ और भी मान सकते हैं। आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो ये जो है टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। स्क्वायर हमने इसीलिए किया है तो क्योंकि इससे जो है ये सेकंड में चेंज हो जाएगा, सेकंड में चेंज होने के बाद जो है इसको जो है हम कॉस में बदल सकते हैं। तो टेन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है sec स्क्वायर ए माइनस वन, और sec स्क्वायर ए जो है वन प्लस में एक्स स्क्वायर होगा। तो sec a जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² होगा। तो इस तरह से जो है आपको पता है कि सेकंड जो होता है वो कोसाइन का जो है रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1/ स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने क्योंकि ए जो है वो टेन इनवर्स एक्स था तो कॉस ए का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड आ गया पूरा हमारे पास। तो अब देखिए दोबारा हमारे पास है साइन और कॉट इनवर्स 3/4, तो कॉट इनवर्स 3/4 को हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर जो है कॉट बी जो है वो हो जाएगा 3/4 के इक्वल। अब दोनों साइडों का फिर से स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर करने से जो कॉट स्क्वायर बी है वो कॉसेक स्क्वायर बी में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से कॉट स्क्वायर बी जो है 9/16 हो गया 9/16। तो अब कॉट स्क्वायर बी जो है वो कोसेकेंट स्क्वायर बी माइनस के 1 इक्वल टू 9/16 हो गया। अब माइनस के 1 को लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो ये जो है 9/16+1 हो जाएगा जो कि 25/16 के इक्वल होगा। इस तरह से कॉसेक स्क्वायर बी जो है 25/16 हुआ, तो कोसेकेंट बी जो है वो आपका 5/4 इसका स्क्वायर रूट 25/16 का होता है। अब कोसेकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन बी जो है वो 4/5 हो गया। अब साइन बी क्या है, साइन बी का मतलब है कॉट इनवर्स 3/4, तो कॉट साइन बी जो हुआ वो राइट हैंड साइड हो गया। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि टेन इनवर्स एक्स को अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले में इधर हम ए लिखे हैं और साइन जो है इधर कॉट इनवर्स 3/4 को क्योंकि हमने बी एज्यूम किया था तो ये जो है साइन बी के इक्वल हो जाएगी, तो साइन ए इक्वल टू साइन बी हुआ। अब कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी हुआ, तो कॉस ए जो है वो हम उसकी वैल्यू हमने निकाली है 1/√1+x² और साइन बी की वैल्यू हमने निकाली 4/5। तो ये इस तरह से इसको लिखेंगे, अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे ताकि 1/x² से जो है स्क्वायर रूट हट जाए। तो अब ये जो है हमारे पास हो गया 1/1+x² इक्वल टू 16/25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 16 प्लस में 16x स्क्वायर जो है वो 25 के इक्वल होगा। तो 16x स्क्वायर जो है 25 माइनस में 16 जो है 9 के इक्वल हुआ, तो ये 16x स्क्वायर जो है 9 के इक्वल होगा, तो x स्क्वायर जो है वो 9 अपॉन में 16 के इक्वल हो जाएगा। तो x स्क्वायर हुआ 9 अपॉन में 16, तो x जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन में 16 हो गया। तो इसका मतलब x जो है इनका स्क्वायर रूट यानी कि 3 अपॉन में 4 प्लस माइनस में होंगे। तो जो है दो वैल्यूज़ आई, अब इसमें से ठीक कौन सी है? तो हम जो देख रहे हैं कि अगर नेगेटिव कॉस जो होता है वो जो है आपका पॉजिटिव ही देगा, लेकिन साइन की नेगेटिव, कॉट की नेगेटिव वैल्यू जो है वो साइन को नेगेटिव करेगी और जो है दोनों साइडें इक्वल नहीं होंगी। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन में 4 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि गिवन जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में 4 आया था वो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो सही वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4 है और यही इसका आंसर यानी कि सॉल्यूशन है। तो अगर आपको इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।